Help me for 100k subscriber. Help me for 100k subscriber. हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहां पर मैं लेकर आने वाला हूं कि अभी ट्रास्कल्फा क्योरसरा 180 मॉडल का प्रिंटर है, ठीक है, मल्टीफंक्शन प्रिंटर है। इस प्रिंटर में इस तरह का प्रॉब्लम है कि यहां पर पेपर जाम दिखा रहा है लेकिन नीचे ही जाम हो जाता है, लेकिन पेपर को नहीं खींच पाता, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम किस तरह से सोल्यूशन किया जाता है मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पर है मेरा प्रिंटर, इस प्रिंटर को मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ आप दिखाऊंगा। यहाँ पे इसको मैं करूँगा ऑन, सबसे पहले ऑन कर दिया। दोस्तों अभी रहा ये प्रिंटर क्योरसरा ट्रास्कल्फा 180 मॉडल का प्रिंटर है, 180, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बिल्कुल ऑन है अभी, तो यहाँ पर पेपर जाम का एरर दिखा रहा है। मैं अभी इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है। रन करने के लिए यहाँ पर मैं एक यहाँ पेपर डालूंगा, ये रहा एक पेपर, इसको मैं कॉपी करने के लिए यहाँ पे डालूंगा, ठीक है। इस तरह से डाल दिया। इतने होने के बाद यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा, ये देखिए पेपर खींचता है कि नहीं, ये देखिए। यहाँ पे इस तरह से J11 एरर आ रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे J11 का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। J11 का मतलब बताया दोस्तों, J11 का मतलब बताया नीचे की तरफ से पेपर नहीं उठा पा रहा है, ठीक है। तो जब आपको पेपर ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा तो दूसरे दिखाएगा, लेकिन अभी यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर क्या दिखाता है। ये देखिए यहाँ पर अभी तक पेपर नहीं पहुँचा है, ठीक है, यहाँ पर पेपर नहीं पहुँचा है, लेकिन जाम हो रहा है, यहीं पे जाम हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक निशान है दोस्तों, ये इस तरह का, ये देखिए दोस्तों, ये निशान है कि दोस्तों यहाँ पर पेपर खींचने का कोशिश कर रहा है मशीन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पर जो डस्ट है, डस्ट में ये बिल्कुल घिसक रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम करना होगा दोस्तों, यहाँ पर एक इस तरह से कपड़े लो, इस तरह का कपड़े के थ्रू से वहाँ का जो डस्ट है दोस्तों, वो डस्ट को बिल्कुल निकालना होगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों डस्ट निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम ये पेपर ड्रॉर है, पेपर ड्रॉर को निकालना होगा दोस्तों, ठीक है। इसको इस साइड में रख दूंगा मैंने। यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी जगह चाहिए दोस्तों, यहाँ पर जो रोलर है दोस्तों, यहाँ का जो रोलर है, सब कुछ रोलर यहाँ का डस्ट से भरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूंगा, यहाँ पर हल्का सा मैंने पानी इस तरह से वाटर लगा दिया। इस तरह से लगाने के बाद यहाँ भी दोस्तों यहाँ पर जो है यहाँ का ये वाला इसका रोलर है जो पेपर खींचने के लिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका रोलर का शेड है, एक ये रोलर है, ये देखिए दोस्तों ये दिख रहा है, यहाँ पे एक रोलर है और इसका अंदर और दूसरे रोलर है दोस्तों, ठीक है। तो ये इस तरह से क्लीन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ढिक्का को शेड को निकाल कर हम क्लीन भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक स्क्रू है दोस्तों, ठीक है, मैं अभी एक बार इसको निकाल कर दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इस तरह से इसको निकालने के लिए यहाँ पर ये वाला कवर है जो फ्रंट कवर है, फ्रंट कवर को इस तरह से खोलना होगा। खोलने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वाला भाग सबसे पहले निकलेगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्रू है, इसको इस तरह से खोलेंगे हम, ये देखिए, ये खोलने के बाद ये निकल जाएगा। ये निकलने के बाद दूसरे स्क्रू यहाँ पर है, बिल्कुल ये इस तरह से निकल जाएगा, ये देखिए। ये निकलने के बाद यहाँ पर इसको हल्का सा खींचना और इसको इस तरह से कर देना, ठीक है, इस तरह से दोस्तों, ठीक है, ये देखिए दोस्तों ये निकल गया, ठीक है। ये निकलने के बाद यहाँ पर ये वाला कपड़े से
मैं इसको इस तरह से बिल्कुल क्लीन करूँगा। ये देखिए ये क्लीन कर दिया। और यहाँ पर एक जो ये रोलर है ये इसको भी बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन करना होगा। ठीक है, हल्का सा यहाँ पर वाटर से क्लीन करना होगा। ठीक है, ये वाटर है, ये देखिए। और इसको हम इस तरह से घुमाएंगे, मूव करेंगे और इसको क्लीन करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको इतने ही करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से इसको इंस्टॉल कर दूंगा। इंस्टॉल करने के लिए इसको इस तरह से डालेंगे। ठीक है, देखिए बिल्कुल ये लग गया था। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ पर स्क्रू है, मैं स्क्रू को यहाँ पे लगाऊंगा। स्क्रू लगा दिया, ये देखिए ये लगा दिया बिल्कुल। और ये कवर को भी लगा दिया, ये वाला कवर को भी लगा दिया मैंने। इतने होने के बाद यहाँ पर मैं पेपर ड्रॉर बिल्कुल लगाऊंगा। ठीक है, ये देखिए इतने होने के बाद इसको फिर से मैं रिज्यूम कर दूंगा। स्टार्ट कर दिया, अब हम देखेंगे यहाँ पर बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, अब दिखा रहा है J41। यहाँ पर नीचे से खींच लिया पेपर, लेकिन थोड़ा सा ऊपर ला गए, यहाँ पर जाम कर दिया है इस। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर ये पेपर आ रहा है और यहाँ पे ये बिल्कुल जाम हो रहा है। देखो, ठीक है, ये देखिए, क्यों इस तरह से जाम हो रहा है पेपर, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। जो आपका यहाँ पर था प्रॉब्लम, J11 का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अभी दिखा रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल J41 का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये जो लीवर है ये वाला, यहाँ पर जब पेपर जाम होने से ये प्रॉब्लम आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फिर से मैं एक बार टेस्ट करूँगा। मैंने कर दिया रिज्यूम,
देखिए दोस्तों, फिर से यहाँ पर जाम हो गया दोस्तों, ठीक है। तो क्यों इस तरह से ये जाम होता है मैं फिर से आप एक बार देखूंगा। इस तरह से जाम होने की वजह होता है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, वन साइड ज्यादा निकल रहा है और दूसरे साइड में यहाँ पर कम निकल रहा है पेपर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका प्रॉब्लम होता है दोस्तों, एक तो ट्रांसफर रोलर यहाँ पर, और दूसरी होता है इसका ड्रम यूनिट अच्छी तरह से मूव नहीं होना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर उसके लिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना होगा, ड्रम यूनिट को बिल्कुल देखना होगा दोस्तों, ठीक है। ये रहा दोस्तों हमारा ड्रम यूनिट, ये अच्छी तरह से मूव नहीं होने के बाद यहाँ पर इस तरह का एरर बिल्कुल दिखाता है। मैं इसको इस तरह से मूव करूँगा, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल ये टाइट है। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से मूव होने के बाद अभी मैं फिर से इसको इंस्टॉल करूंगा और वहाँ का जो ट्रांसफर रोलर है उसको बिल्कुल मैं क्लीन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों इसको चेक कर दिया मैंने, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मूव हो रहा है, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इस तरह से दबाना होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर एक रहेगा टोनर और यहाँ एक स्क्रू लगेगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। इतने होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा रोलर है, ये ट्रांसफर रोलर बिल्कुल, ये बिल्कुल इसमें डॉट है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए अभी इस तरह से, अभी इस तरह से मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर दिखाऊंगा, ये है, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। इतने होने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं इसको ये कवर को लगा दूंगा, अच्छी तरह से नहीं लगा है, ठीक है, पहले इसको लगाऊंगा। ये देखिए ये देखिए, ये लगाने के बाद ये कवर को भी मैं इस तरह से लगाऊंगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, इतने होने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं ऑन करूँगा, प्रिंटर को ऑन कर दिया, प्रिंटर ऑन कर दिया बिल्कुल। अभी मैं यहाँ पर एक पेपर रखा हूँ, इस पेपर को यहाँ पर रख के मैं इसको प्रिंट करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करूँगा स्टार्ट, ये देखिए दोस्तों फिर से यहाँ 40 दिखा रहा है। हाँ, फिर से एक बार इधर से मैं इस तरह से खोलूंगा और यहाँ पर क्लीन देखता हूँ दोस्तों, ठीक है, लगा दिया। इतने लगाने के बाद मैं अब यहाँ पर इसको रन करूँगा, इतने करने के बाद मैं इसको फिर से स्टार्ट करूँगा, रिज्यूम करूँगा।
ये देखिए दोस्तों, इस तरह से यहाँ पर उसको क्लीन करने के बाद यहाँ पर प्रिंट निकल गया। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल प्रिंट सही निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जे 11, जे 41, जे 40 इस तरह का जब इरर आएगा तो इसका सोल्यूशन किस तरह से करना होगा मैं आपको बता दिया। और दोस्तों आज के लिए इतने दोस्तों, और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। और मैं दिखाऊंगा दोस्तों इस तरह से फ्रंट साइड में तो अच्छी तरह से बिल्कुल पिन निकलेगा, लेकिन इसका पिछले हिस्से में भी जो इस तरह से यहाँ पर, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह से यह लाइन्स आ रहा है और यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। क्यों आता है इसका मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में, इसका ट्यूटोरियल में बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।